बिट्टू की मम्मी, तुमने देखा पुन्नू की मम्मी को? कीर्तन तो आते नहीं है, सबसे आगे बैठ जाती है। ढोलक कितना गंदा बजाती है और ढोलक पे बांझ की तरह झपट पड़ती है, जैसे कि यही उस्ताद होगी ढोलक की। तो ढेले का ढोलक बजाना नहीं आता उसको? हाँ, और कुछ आता जाता तो है नहीं, कीर्तनों में चिल्लाई जाती है, जयकारा शेरा वालिदा, जयकारा शेरा वालिदा। जयकारा चुगली वाली चाची का। बिट्टू की मम्मी, मैं तो चलती हूँ। कीर्तन में आना। हाँ, वो आज पीली साड़ी पहन के भी आनी है, कह रही थी मेरी बहू। ठीक है, मैं पहन लाऊंगी। मैं चलती हूँ बिट्टू की मम्मी। हाँ, बिट्टू की माँ, एक बात तो है, क्या बात है? तुम औरतें ना गाय जैसी होती हो एकदम। हाँ, वो तो सभी कहते हैं, औरतें गाय जैसी सीधी होती हैं करके। अरे बिट्टू की माँ, गाय जैसी सीधी की नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे गाय दिन भर जुगाली करते हुए नहीं थकती ना, वैसे ही तुम औरतें दिन भर चुगली करते नहीं थकती हो। तुम्हारा ना बहुत ध्यान रहता है औरतों में, और आदमियों का इतना ध्यान नहीं रहता है औरतों में जितना तुम्हारा रहता है। क्यों नहीं रहता है? रिटायरमेंट के बाद हर आदमी औरत जैसा ही हो जाता है और औरतों की बातों में घुस जाता है, और मैं तो कहना हूँ घुसना भी चाहिए, बड़ा अच्छा टाइम पास होता है। और मैं एक बात बताऊँ बिट्टू की माँ, बताती कोई भी औरत नहीं है, लेकिन हर आदमी कॉलोनी का औरतों से औरतों की डिटेल रखता है अपने पास, लेकिन वो औरतें चालाक होती हैं, वो ये शो करती हैं कि मेरा हस्बैंड, मेरा पति जो है स्ट्रिक्ट और कड़क है, लेकिन वो कड़क फड़क कुछ नहीं होता है, उसको ना औरतों की बातें जानने की तड़प होती है, वो तड़प वो हमें नहीं बताते हैं। हाँ, और तुझे नहीं बताते, इसलिए तू मुझे नहीं बता रही है। हाँ, बिट्टू की मम्मी, तुम कीर्तन कब करा रही हो? अरे हम तो कल करा रहे हैं कीर्तन। बाप रे, तुम्हें पता है केले के रेट तो आसमान छू रहे हैं। अच्छा, क्या रेट चल रहे हैं केले? 80 रुपए दर्जन है। 80 रुपए दर्जन? बाप रे, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है कीर्तन कराना। पहले से देखती थी तू चंपा, जितने में आजकल ये कीर्तन हो रहे हैं उतने में एक नामकरण हो जाता था। वही तो, मैंने तो क्या किया ना, कच्चे केले ले लिए सस्ते रेट में और पकाने डाल दिए, पहले दिन और रात्रि का कीर्तन करवा लिया। अब तू तो होशियार हुई चंपा, हमारे यहां तो सब मूर्ख पड़े हैं, मूर्ख। तूने सही करा, इनको आती है बचत करनी, सबके सब मूर्ख हैं घर में। हाँ मम्मी, क्या क्या सामान लेना है? बेटा तू मखाने लिख दे पहले तो, 250 ग्राम। 250 ग्राम हाँ, हो जाता है, लिख दे। मखाने 250 ग्राम। हाँ, और तू लिख दे कच्ची मूंगफली लिख, कच्ची मूंगफली आधा किलो लिख दे। आधा किलो। हाँ, और मिठाई, नहीं, मिठाई मत लिख, बहुत ही महंगी हो रखी है मिठाई तो। मम्मी जी, कीर्तनों में मिठाई तो बांटनी पड़ती है। क्या करें बेटा, ये कीर्तन कराना तो बड़ा मुश्किल काम हो गया है, कितने पैसे लग जा रहे हैं। अब ऐसा कर, तू लिख ही दे मिठाई। मिठाई भी होगी। हो गई? हाँ, अच्छा। अरे यार, 3 दर्जन केले लगेंगे, वो भी लिख लो। नहीं, केले नहीं लाएंगे हम, इतने महंगे हो रखे हैं। अब मम्मी जी, केले तो नवरात्रियों में चढ़ते ही हैं, बिना केले के नवरात्रि तो हो नहीं सकती। देखो, अरे जिसे जो बोलना है बोलने दे, ऐसे तो कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं, हम तो केले नहीं लाएंगे। अगर हम केले ही नहीं लेंगे तो वो केले वाले रेट भी नहीं बढ़ाएंगे, क्या जरूरत हो रही है हमें केले लेने की? रहने दो।
नहीं लिखता अभी। हाँ काट दे, केले लिखे तो नहीं तूने? ना नहीं लिखे। हाँ काट दे उसको। ठीक। और बताशे भी चाहिए ना बेटा? हाँ बताशे लिख लो। हाँ अखबार क्या हो गया इनका, दुनिया से निराला, 24 घंटे इसी में घुसे रहते हैं। अरे मेरा फोन भी चार्जिंग में लगा है। वो मम्मी जी मेरे मायके वालों को भी बुला लीजिए ना, मेरी भाभी ना बहुत अच्छे कीर्तन गाती है। अरे तुझे बड़ी चिंता है बहू अपने मायके वालों की, ऐसे तो कीर्तनों में मैं भी अपने मायके वालों को बुला लेती हूँ। मैं भी बुला लेती हूँ मायके वालों का। अरे तेरे मायके वालों को कीर्तन क्या आते हैं पता भी है? कीर्तन क्या होते हैं उन्हें तो ये भी पता नहीं होगा, ढोलक किसको कहते हैं? ढोलक की कहीं की ढोलक किसको कहते हैं? बड़ी खुजली है तुम्हें, अभी तक तो बड़े चुप हो रहे थे, जैसे ही मेरे मायके वालों का नाम आया शुरू हो गए। अरे उनका नाम आते ही मैं शुरू हो जाता हूँ, क्या करूँ, उन्होंने तेरे से शादी हुई उसके बाद मुझे शुरू ही नहीं होने दिया। अपने मायके वालों को मत घुसाया कर हर जगह, उसके मायके वाले तो आएंगे भी, कीर्तन भी करेंगे, उनको आता किसी है। किसी के मायके वाले नहीं आएंगे कीर्तन में, मैंने बता दिया है। हाँ भाभी क्यों दुखी होकर बैठी हुई हैं आप? मेरी ना भाभी इतने अच्छे कीर्तन गाती हैं, लेकिन मम्मी जी ने ना मायके वालों को आने के लिए मना कर दिया है, और पता है केले लाने के लिए भी मना कर दिया है। अब सारी कॉलोनी वालों में हमारी कितनी इंसल्ट होगी बताइए आप। अच्छा भाभी आपने मुझे ना बहुत अच्छे बर्गर खिलाए तो मैं आपको। भाभी मैं दो और खाऊंगी, बस ज्यादा नहीं खाऊंगी। दो बना दो और? हाँ दो और बना दो। बस तो मैं आपको ना एक बहुत अच्छा आइडिया देती हूँ, ठीक है? आप ऐसा करो, चुपचाप अपनी भाभी को फोन करके बोल दो कि आ जाए कीर्तन में, ठीक है? और साथ में उनसे कहना ज्यादा कुछ मत लाना, बस केले ले आना थोड़ा। तो इससे क्या होगा, कीर्तन में भाभी भी आ जाएंगी और केले भी आ जाएंगे, है ना? ये तो बहुत अच्छा कहा आपने, सही आइडिया दिया ना। अब सुनो, हम नवरात्रि के कीर्तन की जो तैयारी है ना, वो भी हम दोनों सजावट वगैरह सब मिलकर करेंगे। सच में? हाँ बस साथ भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ये तो बहुत अच्छा कहा आपने। हाँ चलो, थैंक यू सो मच। मैं बोलती हूँ मम्मी जी को। हाँ ठीक है। वो मम्मी जी मेरे मायके वालों को ना निमंत्रण दे देते हैं, उससे दो फायदे हैं। एक तो जब भी मेरे मायके वाले आते हैं, देखो आप केले लेके आते हैं वो, तो केले भी माता को भोग लग जाएंगे और कॉलोनी में हमारी इंसल्ट भी नहीं होगी, सब लोग हमारी मजाक भी नहीं बनाएंगे। हाँ ये सही कहा बहू तूने, तू ऐसा कर अपने मायके वालों को बुला ही ले तू। हाँ सही हो गया, केले तो आ जाएंगे। बिट्टू की माँ। हाँ। तेरी तारीफ करने का मन कर रहा है, तारीफ के लिए मैं दो शब्द कहूँ तेरे लिए? हाँ। लालची बढ़िया। सही हो गया? हाँ भाभी मुझे आपने ना बहुत ही अच्छा बना दिया है। हाँ अच्छी लग रही हो आप। लग रही हो ना? हाँ बस बिंदी लगा लो एक। हाँ हाँ चलो यार, लगभग सारी तैयारियां हो गई हैं, कहीं कुछ भूली तो नहीं मैं? हे राम, मैं तो भाभी को फोन करना ही भूल गई मायके। कहाँ है मेरा फोन? हेलो। हाँ भाभी। अरे यार हमारे कीर्तन है ना आज, आप लोग जरूर आना। हाँ
और देखो भाभी एक बात है ना, आप ना मिठाई विठाई कुछ मत लेके आना, सिर्फ केले उठा लाना बस। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाभी। बाप रे सारे लोग आने लग गए, भाभी लोग तो आए नहीं अभी तक। हाँ क्या होगा, फोन करना उन्हें एक बार। अरे बहू तेरे मायके वाले अभी तक नहीं आए, कीर्तन शुरू होने वाले हैं और माता रानी के आगे केले भी नहीं सजाए हैं, कॉलोनी वाला कोई आ गया तो मजाक बनाएगा। माँ जी अभी कॉल करती हूँ मैं, वो लोग आए नहीं, लोग आने लग गए हैं, क्या करूँ, एक कॉल करके आती। कर कर जल्दी जल्दी कर। कॉल नहीं लग रहा, अब क्या होगा। अरे बहू, अरे बहू कहाँ रह गए तेरे मायके वाले, अभी तक केले नहीं आए। मम्मी जी फोन ही नहीं लग रहा, क्या करूं मैं, आप बताओ। हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। जी जी मम्मी जी ठीक है। ज्यादा ठीक है। भाभी तो केले लाए नहीं, उनके हाथ में तो केले ही नहीं है, अब क्या होगा। केले दे पहले जल्दी। बुआ बुआ मैं केले ले आई हूँ, टेंशन मत लो। वाओ केले तो बुला रही है, चलो इज्जत रह गई यार, इज्जत रह गई। चलो बढ़िया हो गया, केले आ गए, हमारी तो इज्जत बच गई। भाभी हाँ कितने अच्छे से निपट गए ना कीर्तन। हाँ यार आनंद आ गया, तुमने कितना अच्छा डांस किया ना। तो तुमने भी तो कितना अच्छा डांस किया। हाँ यार बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया है ना। चलो यार अपने घर में कीर्तन हो गया आज, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, कीर्तन भी खूब हुए यार। हाँ कितना अच्छा अच्छा गाया ना, बहुत ही अच्छा गाने लगे हैं ना। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शेखर जोशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा जोशी, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और माता रानी के कीर्तन भी किए हमने तो आपको पसंद आए होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो एक लाइक एक कमेंट और दो चार शेयर तो कर ही देना। दोस्तों ये हमारा हिंदी चैनल है गरिमा शेखर जोशी, और इस हिंदी हमारी हिंदी वीडियोज़ को आप जितने भी आपके जान पहचान और सबको भेजना, सारे फ्रेंड्स को और सारे रिलेटिव्स को। हाँ, सबको भेजना, सबको भेजना, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लाएं। आप जितना शेयर करोगे दोस्तों उतना ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, उतना ज्यादा हमें मनोबल बनेगा। और कमेंट करके भी बताना कि आगे कौन सी हम लोग वीडियो बना सकते हैं और कैसी आपको पसंद है, हम वैसी लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि मतलब एक हमें बताया है वो जो टॉपिक उस पर भी हम वीडियो बना रहे हैं, उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।